फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स देवी। तो हम क्या कर रहे थे, हम ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स कर रहे थे। जो पांच मेथड है, लेक्चर मेथड, टीम टीचिंग मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डायलॉजिक टीचिंग, ये मेथड्स हम जो है वो पार्ट वन में कवर कर चुके हैं। तो हम पार्ट टू करने वाले हैं। जो हमारे नेक्स्ट फाइव ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स रह गए हैं वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो जिसने पार्ट वन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला मेथड है सिमुलेशन मेथड। सिमुलेशन का मतलब होता है मींस क्रिएटिंग कंडीशन दैट आर क्वाइट सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशन। मतलब हम एक एक्चुअल कंडीशन की तरह एक सिमिलर क्या करते हैं, कंडीशन क्रिएट करते हैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए अंडर दोस कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स, कि हम पायलट्स की ट्रेनिंग देते हैं तो एक एक्चुअल कंडीशन हम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल एक्चुअल कंडीशन की तरह एक कंडीशन, और फिर उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। जैसे आप लोगों को टीचर बनना है तो क्या होगा, जैसे बीएड में भी होता है ना, जब हम ट्रेनिंग होती है तो हमें एक्चुअल क्लासरूम में क्या करना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। तो वो भी क्या, एक सिमिलर कंडीशन ही तो होती है ना, तो वो भी किसमें आ जाता है, सिमुलेशन टीचिंग, सिमुलेशन मेथड ही हो जाता है, ठीक है। समझ आया, तो समझ आ गई ना सिमुलेशन क्या होता है, कि एक एक्चुअल कंडीशन की तरह एक सिचुएशन क्रिएट करी जाती है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, समझ गए। आगे एडवांटेज क्या है, सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। अब देखो, चाहे फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स है तो हम एक्चुअल में तो जाके उनको ट्रेनिंग दे नहीं सकते ना, तो उससे तो बहुत नुकसान होगा, किसी को हार्म भी हो सकता है उससे, तो ठीक है। तो इसे सेफ्टी तो होगी ना, कि बस कंडीशन क्रिएट करी जा रही है। आगे है दे आर इकोनॉमिकल इन लॉन्ग रन। देखो, एक बार तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी ही लगेगी, जब हम शुरू में मशीनरी खरीदेंगे या फिर इक्विपमेंट्स खरीदेंगे, लेकिन वो चलते बहुत टाइम तक है ना, बहुत सालों तक चलते हैं, तो उससे क्या होगा, तो वो लॉन्ग रन में जो है वो इकोनॉमिकल हो जाएगी, ठीक है, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन के लिए तो वो थोड़ी हाई इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि शुरू में तो एक बार सब कुछ परचेज करने में काफी पैसा जाएगा, काफी इन्वेस्टमेंट लगेगी, लेकिन लॉन्ग रन में जो है वो इकोनॉमिकल है। अब शुरू में जो है ना, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यही इसका डिसएडवांटेज है, कि एक बार बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा इनिशियली। तो ये तो सिमुलेशन में। तो नेक्स्ट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान से सुनो। Brainstorming is a creative work group in which a group member produces a large number of ideas on a given topic and problem. इसमें क्या होता है, एक creative work group होता है, ठीक है। क्या होता है, बहुत सारे members होते हैं, जैसे ये members हैं, तो इनके आगे एक problem या कोई topic रखा जाता है, जिसपे इनको अपने ideas रखने होते हैं, कि कैसे उस problem को सॉल्व किया जा सकता है, या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड इनको क्या देने होते हैं, आइडियाज देने होते हैं, ये जो ग्रुप में लोग होते हैं, ठीक है, जो वर्क ग्रुप होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। समझ गए कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज ए क्रिएटिव वर्क ग्रुप। क्रिएटिव वर्क ग्रुप क्यों है, क्योंकि अपनी क्रिएटिविटी यूज करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए क्या देते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, अपने अपने आइडियाज देते हैं, कि इस तरीके से इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्रिएटिव वर्क ग्रुप कहते हैं। इन विच ए ग्रुप मेंबर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। हर ग्रुप मेंबर क्या करता है, प्रोड्यूस करता है आइडियाज, हर कोई अपने अपने आइडियाज देता है। लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज ऑन ए गिवन टॉपिक, जो भी टॉपिक और प्रॉब्लम के बारे में तब बात हो रही होती है, ठीक है। जब तक ये प्रोसीजर चलता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जब तक सारे आइडिया जो है वो पूरे ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, और फिर क्या करते हैं, जो बेस्ट आइडिया होता है ना, बेस्ट वाले को, बेस्ट आइडिया को क्या करते हैं, आगे वो कंसीडर करते हैं और उसको इवैल्यूएट करते हैं, समझ गए। जब तक ये प्रोसीजर चलता है, जब तक सारे आइडियाज खत्म ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक है, और बेस्ट आइडिया जो लगता है फिर उसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। अब इसकी एडवांटेज क्या है, इसे क्या होता है, एक पर्सन की क्रिएटिविटी तो बढ़ेगी ना, जब वो सोचेगा, अपने दिमाग पे जोर देगा, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज बताएगा, या फिर हम जब एक ग्रुप में बैठे, हमारे सामने वाला पर्सन जो है वो आइडियाज बता रहे, तो हम और ज्यादा दिमाग चलाएंगे, हमारे दिमाग में और ज्यादा आइडियाज आएंगे, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, है ना। दैट हेल्प
जो ट्रेनर्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं हम, ये तो मेथड है ना टीच करने का ही, टू प्रोड्यूस थिंक एंड एक्सप्लोर आइडियाज, ये हेल्प करता है उसको ज्यादा से ज्यादा आइडिया प्रोड्यूस करने के लिए, नए नए डिफरेंट डिफरेंट आइडिया एक्सप्लोर करने के लिए और ज्यादा सोचने के लिए. तो इट इज इकोनॉमिकल इन नेचर. देखो इसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट तो लगे नहीं, ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट लगेगी नहीं है ना, सब बैठ के आइडिया अपना दिमाग चलेगा इसमें जो चलेगा, पैसा तो लगेगा ही नहीं, कोई मशीनरी थोड़ी खरीद के आनी है इसके लिए. ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? हो सकता है कि कोई पार्टिसिपेंट जो है वो बोल ही ना रहा हो, वो अपने आइडियाज ही ना दे, या फिर किसी दो के आइडिया क्रैश हो जाए है ना, फिर वो आपस में उनके आइडिया वो डिसएग्री करते हो एक दूसरे से, कोऑर्डिनेशन ना बन रहा हो, तो ऐसे बहुत सारे डिसएडवांटेज हो सकते हैं इससे रिलेटेड. क्योंकि जब हमें ग्रुप में काम करते हैं तो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर किसी के विचार जो है वो अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो ये था ब्रेनस्टॉर्मिंग. देखो तो नेक्स्ट मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड. ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया? आर्मस्ट्रांग ने दिया है. ये नाम आपको याद रखना है कि किसने दिया है. काफी बार यूजीसी नेट के एग्जाम में ये पूछा गया है कि ह्यूरिस्टिक मेथड गिवन बाय. ठीक है, इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट सॉल्यूशन ऑफ हिज हर ओन प्रॉब्लम. क्या होता है कि इसमें ना टीचर की गाइडेंस जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होती है, टीचर का इंटरफेरेंस नहीं होता है. इसमें टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम देता है और स्टूडेंट को खुद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग. ठीक है, आगे क्या है, द चाइल्ड बिकम ए डिस्कवरर ऑफ नॉलेज बाय डेवलपिंग ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ताकि उसके अंदर एक स्पिरिट आ जाए इंक्वायरी करने. मतलब इसमें ये एम नहीं होता कि उसको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है ना, उसको ये बताना होता है कि कैसे नॉलेज को गेन करना है इनसे रिलेटेड. देखो, एम इज नॉट टू प्रोवाइड फैक्ट्स अबाउट साइंस मैथ्स ग्रामर. मतलब इसका ये एम नहीं है कि फैक्ट्स बताने हैं साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, ग्रामर्स के बारे में, नहीं, बल्कि उनको ये सिखाना होता है कि इनकी नॉलेज को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये होता है ह्यूरिस्टिक मेथड. ठीक है, समझ गए क्या होता है. इसका मेन एम क्या होता है कि उनके अंदर ना एक हैबिट डेवलप हो डिस्कवरी करने की, इंक्वायरी करने की, अपनी प्रॉब्लम को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सॉल्व करने की. तो इससे भी तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी ही ना. देखो, अब इसमें कोई गाइडेंस इन्वॉल्व नहीं होती, टीचर का कोई रोल नहीं होता है, तो क्या है, सेल्फ लर्निंग अप्रोच है, खुद सीखता है. आगे लिमिटेशन क्या है, नॉट मच फोकस ऑन फैक्चुअल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, यही इसकी डिसएडवांटेज है. कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो हमें फैक्चुअल नॉलेज चाहिए ही होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि बिना फैक्चुअल नॉलेज के काम चल जाएगा, नहीं. तो ये एक डिसएडवांटेज है. अदरवाइज इसमें क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक स्टूडेंट बहुत ज्यादा डिस्कवरी करेगा तो वो इंटेलिजेंट भी बनेगा है ना. तो ये था ह्यूरिस्टिक मेथड, किसने दिया है, आर्मस्ट्रांग. देखो हमारा नेक्स्ट मेथड है रोल प्लेइंग मेथड. रोल प्लेइंग मेथड इट इज ए टेक्निक दैट अलाउ स्टूडेंट टू एक्सप्लोर रियलिस्टिक सिचुएशन बाय इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल इन ऑर्डर टू डेवलप एक्सपीरियंस. देखो इसमें क्या होता है, रोल प्लेइंग मेथड में जो एक पर्सन होता है ना, जो ट्रेनी होता है, वो एक पर्सन का रोल प्ले करता है ना. वो देखता है कि मतलब अगर मैं इस पोजीशन पे होता तो वो चीजों को कैसे डील करते हैं. ठीक है, तो ये होता है मेनली रोल प्लेइंग. इससे क्या होता है, एक्सपीरियंस डेवलप होता है. देखो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जो बचपन में सबने एक्सपीरियंस किया होगा, टीचर्स डे. टीचर्स डे पे स्टूडेंट को टीचर बनाया जाता है. अगर आप भी कभी बने हो तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि उस दिन हमारी टीचर जरूर बोलती है कि आज आपको पता लगेगा टीचर बनना कोई इतना आसान नहीं है. तो हम क्या करते हैं, वो टीचर का एक रोल प्ले करते हैं. इट्स लाइक ए ड्रामा है ना, हम रोल प्ले करते हैं, हम ड्रेसअप वैसे होके जाते हैं टीचर की तरह. टीचर्स डे वाले दिन अगर हमें टीचर बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर हम क्लास में बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ाते हैं, उनको चुप करवाते हैं अगर वो हमें परेशान करते हैं, और उस दिन हमें रियलाइज होता है कि स्टूडेंट्स को हैंडल करना कितना मुश्किल होता है ना. तो ये भी क्या है, ये भी एक रोल प्ले मेथड ही है. उस दिन भी क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस ही करते हैं एक नई चीज को टीचर बन के है ना. तो दैट इज कॉल्ड रोल प्लेइंग मेथड. नेक्स्ट इज केस स्टडी मेथड. अब केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि ना एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक रियलिस्टिक सिचुएशन दी जाती है, एक रियलिस्टिक सिचुएशन दी जाती है, केस दिया जाता है कि अगर आपके आगे ये सिचुएशन आ जाए तो आप क्या डिसीजन लोगे.
आप कभी भी कॉर्पोरेट ऑफिसेज में भी अगर इंटरव्यू देने जाते हो, कई बार हमसे भी वहां पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ना अगर आप इस सिचुएशन में होते, अगर आपके साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या एक्शन लेते, आपका क्या डिसीजन होता उस वक्त, है ना। वैसे एक केस स्टडी है कि पूरा एक केस दिया जाता है, पूरी एक सिचुएशन दी जाती है और फिर उनसे पूछा जाता है कि आप सोच कर बताओ कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप क्या डिसीजन लेते। आपने कभी यूपीएससी के इंटरव्यू देखे होंगे तो यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं रिलेटेड टू केस स्टडी। अंडरस्टूड? तो ये था केस स्टडी मेथड। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।